हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस, ये वीडियो हम आपके लिए बेहतरीन शानदार प्लान के साथ लेकर आए हैं, जिसका साइज आपका है 30 फीट बाई 30 फीट, यानी टोटल एरिया आपका 900 स्क्वायर फीट है। और इसमें आपको 3 BHK मिलने वाला है विद कार पार्किंग। इसमें आपको कम्बाइंड लेट बाथ मिलने वाला है एंड किचन भी है, ओपन किचन। स्टेयर केस है, बहुत ही आपका एक्सटीरियर है जो बहुत ही मस्त लगने वाला है जब डिजाइन करवाएंगे तो इसका अगर आपका यूज में आने वाला हो तो यूज भी कर सकते हैं। अगर इसको पीडीएफ भी चाहिए हो तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे एंड में। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बिना किसी देरी के ये रोड पे ले चलते हैं। रोड पे ले चलने का मतलब इस रोड पे नहीं पहुंचाएंगे, बट ये रोड का जो साइज है वो आपका 20 फीट से ज्यादा का बताया गया है। और इसका जो गेट है वो 8 फीट का रखा गया, क्योंकि इसमें आपकी कार पार्किंग है। तो कार पार्किंग के लिए ये एरिया दिया गया है जिसमें कम्बाइंड लॉबी एंड कार पार्किंग, क्योंकि आप हमेशा तो गाड़ी पार्क नहीं करेंगे, फिर भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, आप अपना डाइनिंग सेटअप भी कर सकते हैं। इसका साइज आपका गाइस 14 फीट 5 इंच बाई 18 फीट 2 इंच है, जो कि आपका साइज यहाँ से इतना लिया गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो स्टेयर केस है ये 3 फीट चौड़ाई का दिया गया है, जिसमें आपकी प्रत्येक का ट्रेड का साइज है 10 इंच एंड राइजर 7 इंच का रखा गया है। तो गाइस यहाँ से आप बर्ड ऐसे जाएंगे, क्लॉक वाइज आपका स्टेयर केस है, बहुत ही मस्त। यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, देन यही आपका कंटिन्यू फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे जाएंगे। इस तरह से आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में भी ये स्टेयर केस यूज कर सकते हैं। इसकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे पूर्णतः यहाँ पे जो ग्लास विंडो होते हैं वहां पे लगा सकते हैं, और इससे कि आपके पूरे बिल्डिंग में पूरे अंदर मतलब इंटरनल साइड में वेंटिलेशन होता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो गाइस इसके बाद जस्ट आप सामने देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको बेडरूम मिलता है जिसका साइज 10 फीट 9 इंच बाई 10 फीट है। इसके वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दिया गया है 3 फीट साइज का, जो कि आपको ओटीएस में ऊपर होता है। एंड अगर आप करना चाहें, लगाना चाहें, तो यहाँ पे भी एक विंडो लगा सकते हैं, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लगाया गया है, तो वो भी मस्त लगेगी एकदम। डबल वेंटिलेशन इधर से भी होता रहेगा, नो प्रॉब्लम, देखने लुक वाइज में भी बहुत अच्छी लगेगी। एंड आपको एक कमांड लाइट बाथ मिलता है जिसका साइज 6 फुट 4 इंच बाई 6 फीट है। इसमें आपको एक ओटीएस मिलता है, जिसमें ओटीएस में ये आपका वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है। ओटीएस में एक्सेस के लिए यहाँ पे आपको एक 2 फीट का डोर दिया जाता है, और इस ओटीएस को आप एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। इसका साइज आपका 6 फुट 4 इंच बाई 3 फीट 8 इंच है। ओटीएस मतलब होता है इस ओपन टू स्काई, तो ये आपको कोई भी स्लेप नहीं डालनी होगी, ये आसमान तक पूरा ओपन ही रहने वाला है, कितना भी मल्टी स्टोरेज बना लो। इसके बाद जस्ट इसके पास में जो सेकेंड बेडरूम है जिसका साइज आपका 10 फीट 9 इंच बाई 10 फीट है, इसमें भी आपको एक विंडो मिलता है जिसका साइज 3 फीट है। इस तरह से इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे एक किचन मिलने वाला है आपको, जिसका किचन काउंटर है वो एल टाइप डिजाइन किया गया है, एंड किचन का साइज आपका 7 फीट 5 इंच बाई 7 फीट 8 इंच है। अगर ये आपका ओपन किचन है, अगर आपको इसको क्लोज किचन बनाना है तो आप वाल करके अपना इसमें गेट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप जस्ट सामने देखेंगे तो एक बेडरूम आपको और मिलता है, थर्ड बेडरूम, जिसका साइज आपका 10 फीट 9 इंच बाई 10 फीट 2 इंच है। इसके वेंटिलेशन के लिए गाइस आपको जो विंडो है वो 4 फीट का मिलता है, एंड जो आपका एक्सटीरियर है, आपका एलिवेशन है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन होने वाला है अगर आप इसको 2 स्टोरेज या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तो गाइस आज का प्लान आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, वीडियो अच्छा लगा हो, प्लान अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन में क्रिएटिव वीडियोज, क्रिएटिव प्लान्स आपके पास
नोटिफिकेशंस के जरिए सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी सारे वीडियो वॉच कर सके, सारे अपडेट जो है मिलते रहेंगे आपको। और अगर आपको अपना बिल्डिंग डिजाइन करवाना है, अपना पर्सनल कोई भी क्यूरी है आपकी, तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए, हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक एंड क्रिएटिव प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।